स्वागत है हमारे चैनल इजी स्टडी फार्मेसी। साथियों, जहां दवाइयों की संपूर्ण जानकारी मिलती है। साथियों, आज हम आपके बीच डिस्कस करेंगे कंजेक्टिवाइटिस। साथियों, जैसा कि कोरोना के बाद एक महामारी तो नहीं कहेंगे, एक ऐसा मतलब देखा गया है, जैसा कि मैं गवर्नमेंट फार्मासिस्ट हूं, आज सुबह से मतलब नाइट ड्यूटी है भाई, 8 से जो भी अभी टाइम हुआ हो, उसी दौरान जो है कम से कम 5 से 6 मरीज आए हैं जिनकी आंखों में बहुत भयंकर रेडनेस थी। एक पुलिस वाली महिला भी आई थी दिखाने के लिए कि मेडिकल हमारा बन जाएगा, लेकिन हमारे हॉस्पिटल में आंख के एक ही डॉक्टर हैं, इसलिए जो है सभी को सुबह जो है दिखाने के लिए हमने सजेशन दी है। तो साथियों, मैं इवन अपनी कॉलोनी में भी देख रहा हूँ, बहुत लोगों की आंखों में एकदम रेड है, पानी निकल रहा है, आंखें एकदम लाल हैं, इरिटेशन होता है, वो बताते हैं चुभ रही हैं आंखें, और वाइट वाइट पस टाइप का जो है डिस्चार्ज भी निकल रहा है। तो कहने का मतलब है कंजेक्टिवाइटिस, जिसको हम पिंक आई भी कह सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि आंखों का आना, लेकिन ये अलग है, एक तरह से वायरस टाइप का फैला हुआ है कि मोस्टली जगह मैंने देखा है, जैसे गाँव से भी फोन आया है, एक दो लोगों तो बता रहे हैं कि आंखें लाल हैं। तो कंजक्टिवाइटिस होता क्या है, इसके बारे में सबसे पहले जानेंगे। आंखों का आना कहने का मतलब है कंजक्टिवा एक जो है आंख के अंदर, इसके अंदर कंजक्टिवा एक होता है। कंजक्टिवा में क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है या किसी तरह से इन्फेक्शन हो जाता है या इंजुरी हो जाती है, चोट लग जाती है बारिश की वजह से, किसी कारणवश क्या होता है कि इन्फेक्शन होता है और घर्षण होता है, इरिटेशन होती है, इचिंग होती है, तो उसमें क्या होता है रेडनेस आ जाता है, पानी गिरने लगता है, वाइट डिस्चार्ज टाइप का निकलने लगता है, आंखें एकदम लाल हो जाती हैं, तो उसको हम कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। अब साथियों, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, सिम्टम जानेंगे कि इसके लक्षण क्या है, साथ ही साथ इसका ट्रीटमेंट क्या है जो है, तो साथियों और बचने का तरीका भी जो है हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथियों, तो कोरोना के बाद सबसे बड़ी महामारी समझ लीजिए, नहीं कहेंगे, लेकिन उसी तरह से जो है इन्फेक्शन फैल रहा है। साथियों, इससे बच के रहना है। तो सबसे पहले सिम्टम क्या है, तो रेडनेस इन आई, जैसा कि डिस्क्रिप्शन बताए, आंखों से चिपचिपा पानी निकलना और वाइट डिस्चार्ज होना, आंखें लाल हो जाना, इरिटेशन होना, आंखें दर्द करना, तो इस तरह से जो है एक वाइट पीप युक्त स्राव भी कह सकते हैं, वो निकलना, और जो है क्या होता है कि एकदम लाल हो जाते हैं, जो भी देखता है तो उसकी आंखों में पानी जैसा आ जाता है। तो इस तरह के इसके लक्षण हैं, सिम्टम्स हैं। अब साथियों, इसके ट्रीटमेंट क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे बेटर है कि सिप्रो आई ड्रॉप डाल सकते हैं, जेंटामाइसिन आई ड्रॉप डाल सकते हैं, मॉक्सी फ्लॉक्सासीन सबसे बेस्ट आई ड्रॉप है, तो तीनों में से एक जो है कोई भी ड्रॉप आप डाल सकते हैं, लेकिन मॉक्सी फ्लॉक्सासीन का इस्तेमाल करेंगे तो सबसे बेटर है। तो साथियों, इन तीनों एंटीबायोटिक में से एक ड्रॉप डालना है। साथ ही साथ अगर बड़े हैं, जैसे एडल्ट पर्सन है, तो मॉक्सीफ्लॉक्सासीन के साथ प्रिडनिसोलोन का जो कॉम्बिनेशन आता है वो और ज़्यादा अच्छा काम करता है, उसको लेंगे तो तुरंत ठीक हो जाएंगे। साथियों, साथ ही साथ अगर छोटे बच्चों में आंखें लाल हैं, तो मॉक्सीफ्लॉक्सासीन के साथ डेक्सा कॉम्बिनेशन आता है, डेक्सामेथासोन, उसको डालेंगे तो और जल्दी से बच्चा ठीक हो जाएगा। ये तो साथियों एंटीबायोटिक की बात हो गई। अगर आंखों में दर्द हो रहा है, इरिटेशन है, साथ ही साथ हल्का सा लग रहा है कि सर में दर्द हो रहा है, उसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तो पैरासीटामोल भी दे सकते हैं सुबह शाम। और ओरल एंटीबायोटिक में जो है, क्योंकि आँख में ड्रॉप डालने वाला है, ड्रॉप एंटीबायोटिक के बारे में बताया, ओरल एंटीबायोटिक जैसे एमोक्सिसिलिन भी जो है दे सकते हैं, या सिप्रोफ्लॉक्सासीन 500 mg एंटीबायोटिक दे सकते हैं। तो ये एक ट्रीटमेंट है। साथियों, एक और चीज़ है, अगर समस्या बहुत ज़्यादा है तो रिफर टू आई डॉक्टर, आई स्पेशलिस्ट, ऑप्थल्मिक डॉक्टर। बचने का तरीका साथियों क्या है कि हाथों को एकदम साफ रखें, सैनिटाइज करें जैसा कि कोरोना के समय में रखते थे, और आंखों को ज़्यादा मसले नहीं, और हैवी डाइट लें जो है, और सनग्लास का इस्तेमाल करें, चश्मा का इस्तेमाल करें, और आंखों को प्रोटेक्ट करके रखें। तो साथियों, कंजक्टिवाइटिस के बारे में डिस्कस किया, कोरोना के बाद सबसे बड़ी समस्या जो एकदम से फैल रही है। वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो अपना प्यार दिखाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।